आंदोलन जो है 2022 के चुनाव में बिल्कुल हमारी तरफ से तो सही दिशा में, सरकार की तरफ से गलत दिशा में, क्योंकि सरकार इसको खराब करना चाहती है। और सभी को पता पहले से, नई बात नहीं है, कभी कुछ वे नए नए वो फंडे अपने अपना रहे। सभी को ध्यान रहना, एकत्रित रहना, बस बटना नहीं है। और किसी से आपस में किसी का मतभेद हो जा तो भैया उसे बैठ के सुलझा लियो, नहीं तो ये मौका ढूंढ रहे हैं कि कब इनमें आपस में फूट पड़े। आप तो नहीं को 6 महीने कंप्लीट हो गए, 7 महीने में चल रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा आंदोलन का। नतीजा निकलेगा ना जब दो डोज जरूरी लगेंगी, 2022 में लगेगी एक उत्तर प्रदेश में और एक 2024 में, तो नतीजा निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। अब हट पकड़ के बैठे हैं लोग, बाग कुर्सी पकड़ के बैठे हैं, जैसे कुर्सी है अपने पहले पुराने परिवार के बुजुर्गों के, उसकी लेकर आए हो, कुर्सी भी हमारी दी हुई है, समझ नहीं रहे स्पेशल मोदी जी, क्योंकि सारे काम मोदी जी करेंगे तो वो समझ नहीं रहे, लेकिन समझेंगे। लेकिन सरकार अब वार्ता भी नहीं कर रही है, लावारिसों की तरह छोड़ दिया आप लोगों को। अब एक बात बताओ, कभी तो कहना ही है कि हमारे लोग बात करने को तैयार हैं, किसान बात नहीं कर रहे, कभी कहना है कि अब वार्ता नहीं कर रहे। अब पहले एक मन बना लो ना भाई कि तुम वार्ता करनी चाह रहे हो नहीं करने चाह रहे। 2-3 बयान अभी आए थे कि किसान हट पकड़ के बैठे, बात नहीं करना चाह रहे, और हम बात करना चाह रहे सरकार के लोग। अब इन पहले कन्फ्यूज ना हो, मैं आराम से तसल्ली से मन बना लें और इस बात को डिसाइड कर लें कि बात करने के लिए तैयार हैं या नहीं। जिद तो है किसानों की, ये तो आप भी बात कह रहे हैं। क्यों होती जिद? जिद है सरकार की। अगर किसानों की जिद होती तो कब के ये लोग हमें गलत उसमें कर देते, उन्हें पता अच्छे से कि हम जिद कर रहे हैं। कोई भी चीज़ है, बोलते बोलते चिल्लाते चिल्लाते यहाँ बॉर्डर पे इतने लोग, बड़ी बड़ी महापंचायतें भी हुई और महामारी को देख के उन पर रोक लग गई, लॉकडाउन हो गया, तो सभी ने इस बात को बताया कि अब एक बात बताओ गजेंद्र भाई, खेती कौन करेगा? किसान करेगा। किसान प्रधानमंत्री जी करेंगे या योगी जी करेंगे, अमित शाह जी करेंगे, कौन करेगा? किसान करेगा। तो किसान को जो चाहिए वो बोलेंगे। इस बात को समझाते समझाते 6 महीने हो गए, 7वां चल रहा, कोई बात नहीं, पर किसान अच्छे से समझाएंगे। पूनम जी, मोदी जी 7 साल के दौरान 8 बार रोलिए सार्वजनिक मंच पर, हाँ। तो मजबूत प्रधानमंत्री बताए जाते हैं, 56 की इनकी छाती बताई जाती है। तुमने फीता घेर के नापी होगी, मैंने नापी ना 56 इंच की, तो अब देखो जब किसान नेता रोवे भावुक होकर रोवे, जब पता हो ना किसान परेशान है या इतना माहौल बिगड़ रहा है, वे रोवे, तो जो इनके यहाँ पे बोलने वाले कीटाणु है ना, वे पता क्या कहेंगे? इमोशनल ड्रामा हो रहा, ये हो रहा। और अब बता दो प्रधानमंत्री जी क्यों रो रहे? उन्हें बहुत अच्छे से पता कि मेरी सरकार नाकामयाब रही इस महामारी में, और देश को जो है इतना प्यार मोहब्बत सम्मान जो देश की जनता के हित में, वो सब चीजें नहीं दे पाई, इसलिए वो इमोशनल हो रहे हैं। तो भैया कोई रोने में आइयो मत उनके, सीधी सी बात है। आपने सुना जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय में उनकी सरकार थी, तो कांधार कांड हुआ था, वो हवाई जहाज वाला याद होगा, हुआ था ना, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि वो रोए थे कि मैं, मतलब इसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा कि मुझे इनके साथ कंप्रोमाइज करना पड़ा, उन्होंने स्वीकार कर लिया था। ये सरकार नहीं कर रही, तो बड़े फेमस एक कवि है हरिओम पवार जी के शब्द, उस समय पे तो ठीक बैठते थे नहीं बैठते थे वो जाने, परमात्मा जाने, लेकिन आज के समय में हरिओम पवार जी के जो शब्द हैं बिल्कुल बिल्कुल सेट बैठ रहे, ठीक बैठ रहे, क्योंकि रोने से तो रूठी हुई महबूबा मनाई जावे, ना देश चलाया जाता, ना देश की जनता की सेवा होती, तो उस समय के शब्द आज हरिओम पवार जी के ठीक बैठ रहे। आंदोलन में कमी कहां रह रही है, क्योंकि 7 महीने बहुत बड़ा होता। देखिए आंदोलन में कोई कमी नहीं रह रही, तभी समय 7 महीने का हो गया। अगर आंदोलन में कमी होती तो महीने 2 महीने में खराब होकर सब अपने घर चले जाते, सारा आंदोलन खराब हो जाता। आंदोलन में कोई कमी ना, तभी तो इतने समय तक चला। आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना कमजोर होगा, किसने कहा? ये इतिहास गवाह है, लेकिन ये भी इतिहास गवाह है कि जितना ये आंदोलन लंबा हुआ है, जितना इसका समय ज्यादा हुआ किसान आंदोलन का, ये उतना मजबूत हुआ। आजादी से पहले गांधी जी ने 2 साल आंदोलन चलाया था, सहयोग आंदोलन का नाम सुना होगा आपने, गांधी जी को वापस हटना पड़ा था। गांधी जी के समय में बात और थी, क्योंकि लड़ाई दूसरे लोगों से थी और कुछ ऐसे ऐसे लोग उनकी दलाली करते थे, और आज लड़ाई अपने ही लोगों से, तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग पीछे हट जाएंगे, अधिकार के लिए बैठे पीछे तो ये हटेंगे। इन्होंने ऐसे हाथ कर करके हमसे हमारी वोट मांगी थी, समझ में आई? हमने ना इनसे कुछ लिया, फ्री में वोट दी, हमने कोई इनसे दलाली ली है? सारी देश की जनता जब अपने सारे वो वोट वापस मांगेगी, और तो फिर क्या होगा? फिर किस पद पर रहेंगे भाई? हमारे वोटों से, और हमने सांसद बनाए अपनी वोटों से, फिर वो प्रधानमंत्री उन्होंने चुने, जब देश की जनता ही वोट वापस मांग लेगी तो काहे के प्रधानमंत्री? वोट मांग रही है, अरे मांग रही है खूब। मेरे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, सारे कमेंट देखिए उस वीडियो में, सबने कही हमारा वोट वापस दो। अब जब लेकर दे ही ना रहे तो किस पर कोई जोर है? आप तो सरकार विरोधी हैं, तो आपके फॉलोवर्स भी सरकार विरोधी होंगे।
सरकार तो ये कहती है हमारे विरोधी आपने आपको किसने कही थी मैं सरकार विरोधी हूँ? सरकार कह रही है सरकार आपको किसने कही थी मैं ये जो सरकार की नीति है उनकी जो विचारधारा मैं इनके विरोधी हूँ, ये किसान आंदोलन जो इन्होंने कर रखा जमवा रखा इसे खत्म करवा मैं सहसम्मान किसानों को घर भेजे बिल रद्द कर दे ठीक। दूसरी बात जो युवा ये यहाँ आंदोलन कर रहे हैं ना साथ में ये नौकरी पे अच्छे लगे वर्दी में बढ़िया लगे ऑफिस में बैठे हुए इस बात को कर लें और जो ये महिलाओं को सम्मान की वो करें जैसे जैसे इनके कांड ये कर रहे हैं ऐसे कांड ना करें। पहले से विरोध करा जब मैं सरकार विरोधी होती तो पहले से विरोध करती क्या आप पहले किसी को पता कौन पूनम पंडित किसकी पूनम पंडित पता नहीं पता मैं इनकी नीतियों के खिलाफ हूँ इनकी विचारधारा के खिलाफ हूँ। पर सरकार तो कह रही है जो लोग गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे ये विरोधी सरकार की छोड़ दो सरकार की अरे हम किसके बिचौलिए तुम हमारी बताओ भाई हमारी बताओ हम किसके बिचौलिए तो हम क्यों होते बिचौलिए बीच में कोई है नहीं किसान की और सरकार की डायरेक्ट बात है कौन है बीच में ये डायरेक्ट बात है किसान की और सरकार की। पूनम जी आजकल बाबा रामदेव और डॉक्टरों के बीच में काफी सही चल रहा बिल्कुल सही चल रहा बाबा रामदेव जी को इतनी तहजीब नहीं अगर यही बात कांग्रेस के समय में होती ना तो अब तक बाबा जी जेल में हो जाते ठीक और बाबा जी की जो जेड प्लस सुरक्षा वो छिन जाती इन्होंने उनसे सुरक्षा नहीं छीनी जो परमात्मा के बाद ईश्वर के बाद जो नाम लिया जाता है डॉक्टरों का उन डॉक्टरों का अपमान करा इन्होंने इनको अपमान करना चाहिए क्या होता टर टर क्या होते हैं ये शब्द ये बिल्कुल अपमानजनक है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो हो गई। दूसरी बात उनकी वो जेड सुरक्षा जो मेहनत हजार बार पूछ ली क्या देश को उपलब्धि करवाई जो सुरक्षा मिली उन्हें अभी तक तो आई ना बात लिखड़ के सामने बाबा रामदेव ने बोला था कि किसी को औकात नहीं जो मुझे अरेस्ट कर ले हाँ। तो किसका हाथ है देखिए सीधी भाई तुम एक मेरी बात सुनो तुम इतने समझदार आदमी हो सीधी बात बताया करो कि उनका हाथ है नरेंद्र मोदी जी का हाथ है बीजेपी सरकार का हाथ है जिन्होंने सुरक्षा दे रखी है तभी तो कह रहे हैं वो और अब अगर हम में से ऐसी कोई बात कह देता या मैं कह देती या और किसान नेता कह देते या और लोग कह देते ना सरकार के लिए और सुरक्षा में होते जैसे ये सुरक्षा में तो सबसे पहले सुरक्षा छीनती और जो क्या कहते हैं पकड़ के थाने में लठ बजा के लेके जाते बंद करवाते माफी तो मांग ली ना ठीक है ठीक है जी अगर आज तक जिंदगी में मेरे देश की जनता से और मेरे देश के किसानों से कोई गलती चूक हुई हो तुम तो हाथ जोड़ के मांग रहे मैं सबकी तरफ से माफी मांग रही हूँ और बताओ सबके मुकदमे बरी कर देना जितने भी हैं। अब तो यूपी में जो मुख्यमंत्री बनेंगे ब्राह्मण बनने जा रहे हैं खुशी हो रही होगी आपको काय बात की खुशी घटाया जा रहा है फिर ब्राह्मण सु मतलब नहीं है भाई मतलब है अच्छे व्यक्ति सु अपनी सीधी बात है देखिए मैं ब्राह्मण उससे बेसक हूँ मेरे को इस बात का कोई वो नहीं ना मेरे अंदर जाति ना धर्मवाद बिल्कुल है ये बात सभी लोग अच्छे से जानते हैं जो लोग थोड़ी मुझसे क्रूरता रखते हैं वो जानते होंगे इस बात को ठीक। और मैं आपको बता दूं मेरा जो विरोध करने में महिला थी वो सबसे पहले जो थी वो यही थी ब्राह्मण समाज की ठीक है एक अलग बात है उनकी मेरी विचारधारा नहीं मिलती लेकिन ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री होने से पहले मुझे तो पता नहीं होने जा रहे हैं नहीं होने जा रहे हैं ये होना चाहिए था कि अच्छे व्यक्ति हों अच्छे व्यक्ति चुने जाने चाहे वो ब्राह्मण समाज हो चाहे वो दलित समाज हो और चाहे वो एक गुजर समाज हो चाहे जाट समाज हो व्यक्ति अच्छे होने चाहिए जरूरी ना कब तक तुम बैठा तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण जो बिल्कुल अपने अंदर ब्राह्मणवाद रखें जातवाद रखें तो वो बिल्कुल गलत। ब्राह्मण नेता कहते थे कि इस सरकार में ब्राह्मणों का बहुत शोषण हुआ तमाम एनकाउंटर हुए देखिए एनकाउंटर उनकी जाँच पड़ताल होगी वो सरकार जाने ये जाना वो जाना ठीक उनकी जांच होकर निष्पक्ष हो जाएगी लेकिन ब्राह्मणों का ही शोषण नहीं हुआ इस सरकार में सबका हुआ ये जरूरी नहीं है कि मैं ही ब्राह्मण हूँ तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ हमारा ही हुआ सबका हुआ तुम्हारे जैसे इनका भी हुआ भाई दलितों का हुआ नहीं हुआ आप दलित समाज से हो या नहीं हो आपने देखा था हाथरस में क्या हुआ उन्नाव में क्या हुआ सभी का हुआ हमारा तो सभी करते हैं। देखिए भाई आपका जो सभी करते हैं आप उसके खिलाफ लड़ो मैं आपके साथ हूँ मैं आपके साथ हूँ आप कभी भी मुझे बुलाना मेरे मेरे जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं वे मेरे खिलाफ हो जाओ मेरे पे कोई असर नहीं पड़ता। जो जो किसी की कम्युनिटी के लोग हैं जो उनकी जात बिरादरी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर योगी जी को हटाया सीट से तो हम बीजेपी के वोट बिल्कुल नहीं देंगे उन लोग खिलाफ हो जाएंगे। बताओ दरअसल आपको पता दो पार्टियां बन रही है अभी यूपी में अच्छा एक योगी जी की बननी है अलग एक बीजेपी की अलग बननी चलो अच्छी बात है हम तो चाहे दो ना इनकी चार बन जाओ फूट पड़ रही है अब तो चाहे भाई जैसे देश की जनता में फूट गिर रहे किसान आंदोलन में फूट गिर रहे हम तो चाहे कि इनकी दो पार्टी ना चार बन जाओ परमात्मा इन्हें फल है फूल है 408 पार्टी बनो इनकी आपस में। किसान आंदोलन के प्रति जितना सम्मान था जब आप 26 तारीख को लोग गए उससे पहले आप लोगों पे फूल बरसाया जाते थे देश की जनता फूल बरसाती थी लेकिन अब गालियां देती है मैसेज कर करके नहीं कर कर आटे राकेट टिकैत जी को रोज फोन करते हैं लोग देखिए
कुछ लोग ऐसे हैं ये पहले से ही इस हरकत को कर रहे हैं, कोई ये नई बात नहीं है कि फोन करके गाली दे दी। कुछ लोग ऐसे पहले से ही कर रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो इन सब चीजों पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें निशाना लगाना मछली की आंख में, यानी कि जो तीन ये बिल है इनको वापस कराने बात। उम्मीद है सरकार करेगी वापस? हाँ जी उम्मीद है, और उम्मीद इतनी बड़ी है सरकार वापस नहीं करेगी तो देश की जनता अपना आप कर लेगी 2022 में यूपी में, 2024 में देश में। लेकिन सरदार भीम सिंह कह रहे हैं कि अब ये अब किसानों का जो मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, अब सब लोग अपने अपने लिए बैठे हैं। दो दिन पहले का बयान है। देखिए सरदार बीएम सिंह जी जो जिस उसमें यहाँ से गए हैं वो तो मेरे से काफी बड़े हैं, मैं उनको कुछ भी शब्द नहीं कहना चाहती। सभी को पता है वो किस उसमें गए हैं, क्या मैटर है, क्योंकि किसी से ना कुछ बता के ना कमेटी के साथ मीटिंग करके गए हैं। बाकी वो उनकी समझ है वो क्या बोल रहे हैं, और ऐसी ऐसी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना, हमने बस एक रहना, इकट्ठा रहना। हरियाणा में जो स्थिति बन गई उसे क्या स्थिति बन गई, क्योंकि वहाँ पुलिस और किसान आपस में टकरा रहे हैं। शांति से करो सारे काम, सहयोग सरकार वहाँ की सहयोग करेगी तो प्रशासन पर दबाव नहीं बनेगा, तो किसानों से वो नहीं भिड़ेंगे आपस में। और कुछ लोगों को यही घुसा देते हैं अपनी मतलब बढ़ाई करने के लिए और आंदोलन को बदनाम करने के लिए, किसानों को बदनाम। लेकिन चड्डू जी ने कह रहे हैं कि यूपी में आंदोलन हल्का है हरियाणा के मुताबिक, क्या इस बात से आप सहमत हैं? देखिए इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हरियाणा में जो है थोड़ा सा ज्यादा ये टॉल वॉल। और आपको एक और बात बता दूं, यूपी में कौन से बीजेपी के नेता हैं जो कर रहे हैं रैली, हरियाणा में ज्यादा कर रहे हैं ये नेता, ठीक हमारे यूपी में कर रहे नहीं है। तो हम बेमतलब की हाथ पैर ना कागू फेंके, जब करेंगे तो हम देख लेंगे। मैं मेरे गांव में भेज दियो तुम किसी को, सब सारे की तो छोड़ दो, मेरे गांव में भेज दियो हम रोक लेंगे। आज राकेश टिकैत जी का जन्मदिन है, क्या कहोगे? बहुत सारी शुभकामनाएं राकेश टिकैत जी को, ढेर सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में वो जैसे साथ खड़े हुए हैं किसानों के, और इन फ्यूचर वो हमेशा ऐसे ही साथ खड़े रहें, और परमात्मा करे हमारे देश में ऐसे ही अच्छे नेता आते रहें। अगर कल को मैं भी गलत हो जाऊं तो मेरे खिलाफ भी आपको आवाज उठाने का अधिकार है। राकेश टिकैत जी का जन्मदिन यहां बॉर्डर पे मनाया जा रहा है, लेकिन राकेश टिकैत जी हरियाणा में बैठे हुए हैं, कुछ किसान गिरफ्तार हो गए, कह रहे जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा मैं वहां से नहीं हटूंगा। अच्छी बात है, जन्मदिन तो हम लोग मना लेंगे, हमने मनाया उन्होंने मनाया एक ही बात है। और हम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे हैं भाई, हम यही मना लेंगे उनका जन्मदिन। वो एक अच्छे काम के लिए वहां गए हैं, क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे किसानों को रोक लिया गया, पुलिस ने वो कर लिया, अच्छी बात है। हम मना लेंगे उनका जन्मदिन, उन्होंने मनाया हमने मनाया एक ही बात है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो ही अपना जन्मदिन मनाएंगे, हम मना लेंगे। यहाँ बारिश हो रही, भद्रा माहौल बना पड़ा, बातचीत से निकलेगा रास्ते में, फिर टकराव की स्थिति बनेगी। देखिए उम्मीद करते हैं कि बातचीत से रास्ता निकले ना, तो हम जो हमारे पास मजबूत वोट है उनसे रास्ता निकालेंगे। चलिए ठीक।